अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और स्पेन में बहुत बड़ा फेस्टिवल स्टार्ट हो गया बार्सिलोना में, ला मर्सी के नाम से। ये बड़े फेस्टिवल्स में आता है और ये बहुत लगी हुई है। शायद मेरी आवाज़ भी आ रही है कि नहीं, यहाँ फातिमा रेडी होके आ गई हैं हमारे साथ और इनके कान बेचारियों के दुख रहे हैं, लेकिन उम्मीद है एक आधे दिन में बेहतर हो जाएंगे। अम्मी, मैं, कोमल, नैना और बच्चे हम सब आए हैं। अम्मी से भी आपकी मुलाकात कराते हैं। और यहाँ जितना पता नहीं ये क्या कर रहे हैं, कुछ हो रहा है, देखिए आप क्या। आज हम आपको तैयार हो जाए सारे अंदर, पार्क में बहुत कुछ है, स्किप नहीं करनी आपको। आज ये फेस्टिवल सारा दिखा दो, आ जाओ, चलिए वो भी देखते हैं। चलो, मैजिक शो हो रहा है। Ahora que están todos atentos, llegó el momento de decirles que después voy a pasar el capello, mi gorra. यहाँ फातिमा आपकी पिक्चर बनाए। ये देखें जी, पांडा कितना प्यारा लग रहा है। और ये फेस्टिवल है, अभी देखते हैं आगे जाके के वो डांस करे। उसका कॉस्ट्यूम बहुत हैवी है। और यहाँ ये है रौनक, अच्छी लगी हुई है। अम्मी और हुसैन उधर है। और यहाँ जाना है, पिक्चर बनवानी है इन पांडे के साथ। नहीं, उसने कहाँ जाना है, वो भी डरती है। नहीं, हुसैन कुत्ते से डर के आगे मुझे चुप रहा है। ओए वो बबल्स के साथ खेल रहे हैं। ये देखना अभी, ये वैसे गलत हरकत है, कुत्ता नहीं बच्चों के साथ आना चाहिए था। वो कितने बबल्स है। हाय हाय, अम्मी आप पीछे हो जाएं। यार मैंने कहा पैसे उसके। अस्सलाम वालेकुम कर ले, आप सलाम दुआ ले ले। अस्सलाम वालेकुम, जी क्या हाल चाल है? अम्मी सब लोग खैरियत से होंगे? आपकी दुआ से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है। हुसैन इधर एंजॉय करने लग गया तो मैं भी इधर ही खड़ी हो गई। यहाँ बबल्स बन रहे हैं, फेस्टिवल बहुत अच्छा है। और बच्चों की तबीयत नहीं ठीक थी तो हम लोग आए हैं थोड़ा सा। हाँ, लाइट्स लाई नहीं है। यहाँ देखे ना, छोटे छोटे बच्चे भी हुसैन खेल रहे हैं। अच्छा, इसके बबल्स ही स्लो हैं, इतने बबल्स निकल ही नहीं रहे। नहीं, देखे वो ना, बहुत बड़े बड़े। हाँ, तो बच्चों तक आता ही नहीं है। हाँ, वो सबसे पहले, वो सबसे पहले का है। आप आया, आप आया हुसैन के हिस्से में भी आया। ओह आ गया। अभी माशाल्लाह काफी रौनक तो है। अभी हम लोग जो इनका रमला है ना, मतलब जो इन्होंने ट्रैक एक बनाया हुआ है उस पे आके खड़े हैं। हुसैन अभी कुछ खा पी ले, वो देखिए कितना रश है। आपको फिर ना आगे जाके दिखाते हैं। अम्मी और हुसैन जरा उस तरफ चले गए, हुसैन को भूख लगी हुई थी। हयाम फातिमा क्या हुआ, नाराज हुई हुई थी? क्यों नाराज हो? आपको कोल्ड ड्रिंक तो मिलनी नहीं, आपकी तबीयत नहीं ठीक है। हयाम को देखे, मैंने कितना प्यारा रेडी किया, इतना प्यारा फ्रॉक पहना है। जहाँ से गुजरती है सारे देखते हैं कि इतनी ब्यूटीफुल बच्ची कहाँ से आई है, नाराज कितनी प्यारी लग रही है। हयाम क्या चाहिए, नाराज हो गई हो? वीडियो ना बनाऊं? मैं तो बनाऊंगी। डिप्पी बना के दिखाओ कैसे नाराज होती है। नहीं, चलो ठीक है, नहीं तो नाराज ही। अच्छा जी, इधर अब कुछ भी नहीं है। ये फेस्टिवल तो खाना ज़्यादा बच्चों की एक्टिविटीज़ थी, वहाँ हम लेट हुए हैं और सिर्फ है खाना पीना, लेकिन ज़्यादा बस ड्रिंक्स और अजीब सा ही है। ये नहीं मज़ा आया। अभी हम बीच पे जा रहे हैं, वहाँ भी बच्चों के लिए ठीक नहीं है। बस सारी ये है कि इर्द गिर्द रश बहुत ज़्यादा है, लेकिन है बस इनकी, क्योंकि इनका ड्रिंक्स हो गई, खाना पीना हुआ, डांस हुआ, कोई कुछ है। तो यहाँ से हम निकलने लगे, अभी हम जाएंगे बीच पे। बीच पे भी फेस्टिवल है। अब आपको वहाँ का फेस्टिवल दिखाते हैं, क्योंकि हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है ये ला मर्सी है, लेकिन ये हमारे मिजाज का नहीं है। अभी बीच पे चलते हैं और फिर वहाँ दिखाते हैं आपको कि वहाँ क्या है। यहाँ पीछे आप ये यहाँ खड़े हो, मैं देख के आती हूँ। यहाँ अब ऐसी कंडीशन है सारी, इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं। बाय बाय, टाटा। ये शॉप बहुत ही क्यूट है जी। पूछो, कपकेक्स कितने क्यूट हैं और केक्स कितने अच्छे हैं। वैसे ने ना केक का भी आइडिया लो खा इनके बर्थडे के लिए, अगर कोई थीम केक वगैरह ये बना के देते हैं तो। और पूछो कप केक कौन सा, वो हैप्पी बर्थडे का केक है, देखें ये बना भी इसी तरह का होगा जिसमें हैप्पी बर्थडे का इन्होंने बनाया।
हुसैन आपको भूख लगी हुई है? भूख लग गई है ज्यादा हुसैन को? हुसैन इधर बहुत अच्छी हो गई है। अच्छा ना, मैंने आज फैसला एक किया है कि हुसैन की नाइंदा कारो लेके आनी है, हुसैन के लिए ज्यादा वॉक है। नहीं आप करो ना शो ना वो परेड ना गुजार देना। नहीं गुजरती, ये हमारे यहाँ जी अभी मेहमान खाना है, एक रेस्टोरेंट है, वाइब इनकी बड़ी अच्छी है। अच्छा जी अभी हम लोग ना क्या खाना है आपने मानो हयाम, आपने क्या खाना है? कुछ भी मंगवा लें आपके लिए, अभी ना देख के ऑर्डर करते हैं, कुछ थोड़ा बहुत खाएंगे क्या खाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं क्या ऑर्डर होता है। जैसे हुसैन को भूख लगी है ज्यादा। आपने हुसैन ने पिज्जा ये खाता नहीं, तो क्रिस्पी चीज हो ना इसके लिए इसका ऑर्डर आता है, तो आप भी अपना ऑर्डर करो। समोसे ना खा ले यार, जल्दी जल्दी ऑर्डर कर लो, वो परेड वाकई ना गुजर जाए, करो ऑर्डर। अभी जी नान आ गया, हुसैन खा रहे हैं नान, छोटी दे दे, बड़ी नहीं चाहिए। नान आया ये सालसा आए हैं, ये सालों में पापड़ मंदिर है, और अभी जो जो चीज़ें आती हैं समोसे ही खाने आए हुए हैं अभी। समोसे हम लोग साथ खा रहे हैं, मज़े कर। बस हुसैन को भूख लगी थी, हुसैन क्योंकि सालन वगैरह मिर्चे नहीं खाता ना, अभी देखे ना नान को एंजॉय। आप तो ले लो मानो। अरे हुए यहाँ जी हमारे समोसे आ गए हैं, और यहाँ पे आ गए हैं पताता, ये पोटैटो की बोई है यहाँ की है, वैसे इसे कहते हैं पताता ब्रावा, लेकिन है आलू ही बारल फ्राई हुए भी। यहाँ समोसे, यहाँ सॉसेज वगैरह। अभी हमारा एक और रहता है ऑर्डर, वो दिखाती हूँ। और यहाँ पर जी हमारा आलू वाला नान आ गया, आलू वाले नान के साथ ग्रीन चटनी है, यहाँ नान आ गया, और ये हमारा ऑर्डर है। हयाम सिर्फ रो रही है अपना तबीयत की वजह से। ये तो कोई डिग्री लेके जा रहा है। हाँ। वो बच्चा है, कोई छोटा सा, वो राजा रानी पीछे आई है। बच्चे देखो ना, ये पक्की औरत वाकई, ये अब म्यूजिक अब ये बजाएंगे अपना सारा, उन्होंने जैसे लिरिक्स लिख के रखे। बजा लो इधर ही, बजा लो। नहीं,
बादशाह डाइटिंग का हार है, अब इनके पीछे ही चलते हैं, ये लास्ट फैमिली थी बस। अभी यहाँ से जा रहे हैं सब लोग और साथ ही सफाइयाँ होना शुरू हो गई हैं, यहाँ की सफाई का हिसाब लगाएं। देख हुसैन ने सही लोगों को एंजॉय कर लिया और अब हम जाएंगे घर वापस। आओ चले हुसैन घर, आ जाओ। इतनी प्यारी शॉप है ना, कैमरा पता नहीं लेकिन आपको दिखा नहीं पा रहा। और शूज बड़े प्यारे हैं फ्लोरल से, छोटे छोटे कितने क्यूट है। 70 यूरो के हैं सिर्फ, बहुत महंगे हैं 70 यूरो के ये छोटे टिड्डू टिड्डू। और वो जो है ना ये जो सामने 200 यूरो के, 200 यूरो पाकिस्तानी को 70,000 में है। वो देखो बना रही है, हैंडमेड है। हाँ ये हैंडमेड है, हैंडमेड है। ये देखिए वैसे तो जो है ना शॉप बंद है जी, आ रही थी ना ये खुद, लेकिन हैंडमेड बंद है। हाँ जी वो इन्होंने फ्लावर तभी एक्सपेंसिव है, सारी हैंडमेड है। हाँ जी। देखो उधर जो स्क्रीन पे बिछा रहे हैं ना, लेकिन हैंडमेड वो देखे ना, वो ये बन रही है, ये देखे। जूते हैं, फिर भी 200-300 यूरो का ये जूता लेना ना इंतहाई बेवकूफी, बहुत ओवर एक्सपेंसिव है। वो परेड तो इधर भी आ गई, चलो अंदर से चली जाओ। ये शॉप देखे, ये बड़ा गुरीला रेड ना ले जाए बच्चों के लिए, ये पेंटिंग्स की है बेसिकली, अच्छी क्यूट चीजें हैं सारी। ये ना वो है डोर हैंगिंग्स है। अच्छा मुझे ऐसी चीजें देख के चक्कर आने लग जाते हैं, पता नहीं वैसे भी है ना, चक्कर आ रहे हैं इन्हें देख के। आप हमारे पास राशि रखे आप और अबू, तो यहाँ सही घूमते फिरते होंगे सेंटर वाली साइड पे, क्योंकि हम सेंटर आए हुए, फेस्टिवल जो हमने यहाँ देखा ना सारा पुतलों वाला, ये हम सेंटर देख के अब हम घर जा रहे हैं। हम लोग जी घर पहुँच गए हैं और आज बहुत मज़ा आया, आप सबसे ज़्यादा मज़ा आया है जी समोसे खाने का, फिर जो हमने फेस्टिवल देखा उसका भी बड़ा मज़ा आया है, होप आपने भी इन्जॉय किया होगा, क्योंकि ये स्पेन का बहुत बड़ा फेस्टिवल है। कोशिश करेंगे आपको मजीद भी कुछ दिखा सकें। ये 10 डेज के लिए लगा, 10 डेज के लिए। और अभी हम घर पहुँचे हैं तो ये थी आज की वीडियो, ब्लॉग यही एंड करेंगे। अच्छा ये हर फेस्टिवल में पुतले निकाल देते हैं, पता नहीं क्यों, पता नहीं यार इधर का कल्चर ही ये है। एक बादशाह कोई ऐसे ये दौर गुजरा है, ये उनकी याद में फेस्टिवल के रखते हैं, लेकिन डिफरेंट थे जो हमारे घर के पीछे थे वो डिफरेंट थे, ये फैमिली वाइज डिफरेंट डिफरेंट फैमिली फेस्टिवल था, ये खानदान है इनकी कई अल्लाह।